प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे हो कि मैं नंगा क्यों हूं, क्योंकि मैं अभी अभी शावर लेकर आया और मैंने हेयर ड्राई करके अपने हेयर सेट किए थे, बट वापस से खराब हो चुके हैं और मेरा घर पूरा मेस्ड अप पड़ा हुआ है। आज मैं जाने वाला हूँ मेरे फेस के ट्रीटमेंट के लिए। पिंपल्स आप देखो ठीक हो चुके हैं, अब बचे हैं स्कार्स एंड ये। तो मुझे एक डॉक्टर गलत मिल गई थी सबसे पहले, जब मेरे स्टार्टिंग स्टेज ऑफ पिंपल्स थे तो उन्होंने मेरे पिंपल्स पॉप आउट कर दिए, जिस वजह से मेरे को हो गए स्कार्स। और ये स्कार्स का ट्रीटमेंट अभी और 4 से 5 महीने आई थिंक चलेगा। लेट्स गो टू क्यूटीज। अभी मेरे अंडे आ रहे हैं, मुझे डाइट भी कम्प्लीट करनी है। लोगों को दिखाता हूं मेरा मेस्ड अप रूम। ये है मेरा किचन जो कि अभी तो फिलहाल सही है, और ये मेरा रूम है जो कि देखने लायक बच्चा नहीं है अब। और ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है, बिकॉज हमने मेड अभी अभी नई लगाई हुई है, तो उनको पता नहीं है शायद कि कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं, तो उन्होंने ऐसे ही इधर उधर डाल दिए। मैं सुबह उठ के देखा तो मेरे को नीचे ऐसे पड़े हुए मिले थे कपड़े, ऐसे ऐसे इधर कोने में। मेरे को इसमें से ढूंढना पड़ा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। कोई बात नहीं, मेड को तो हम कल समझा देंगे। तब तक के लिए मैं हो जाता हूँ रेडी, मेरे अंडे आ रहे हैं, उसके बाद मैं अंडे उबाल के खा के निकलता हूँ तुरंत, और आपको बताता हूँ कि आज क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। 15 मिनट वेट कराने के बाद हमारे अंडे आ चुके हैं, तो चलिए इन्हें उबालने के लिए रख देते हैं। बिकॉज बहुत बोलने लग गया यार। अंडे डाल दिए मैं बेसिकली मेरी डाइट में 3 अंडे हैं, बट मैं 4 खाऊंगा। और अब हम जला देते हैं स्टोव। ओके तो अब वेट करते हैं 15-20 मिनट और अंडे खा के हम फटाफट से निकलेंगे, और आपको बताऊंगा मैं कि आज क्या ट्रीटमेंट करा। ओके तब तक के लिए बाय। आर रेडी एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। अब निकलते हैं हम क्यूटीज के लिए, फटाफट से घर की चाबी लेते हैं, ऑन करेंगे घर पे, एक लाइट ऑन होनी चाहिए, ऑन है ऑलवेज। ओके जस्ट वेट फॉर द लिफ्ट। लिफ्ट आते ही निकलते हैं एंड अब क्यूटीज पर मिलते हैं, बिकॉज आज हमारे पास बाइक नहीं है एंड मैं जाऊंगा ऑटो से। ऑटो का भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आपको, तो मिलते हैं किड्स। ऑटो में तो बैठ गया था, बट मेरे बाल बार बार खराब हो रहे थे और मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था, तो चलते एक क्यूटीज और बताता हूँ आपको। देखो मुंबई में ट्रैफिक इतना बड़ी बात नहीं है, बट ये बड़े बड़े जेसीबी इतनी छोटी सी रोड पे आ जाते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है। इतनी सी रोड और इतना बड़ा जेसीबी, यार समझा करो, थोड़ा लेट हो रहा है मुझे। क्यूटीज वालों ने मुझे चाय और कॉफी ऑफर करी, बट मैंने ठुकरा दी क्योंकि मेरा मन नहीं था। अब रेडी होता हूँ मैं ट्रीटमेंट के लिए। ये बात गाउन तो बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये बात गाउन नहीं है, ट्रीटमेंट गाउन है गाइस। क्यूटीज और आज मेरा है 5th सिटिंग एमएनआरएफ का। जैसा कि आपको पता है मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने थे, मैं 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ उस पर। उसके बाद हमारे एक्ने तो स्टॉप हो चुके हैं एंड अब हम वर्क कर रहे हैं हमारे पिंपल्स के स्कार्स के ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर मैम हम क्या कर रहे हैं आज के लिए? आज हम एमएनआरएफ कर रहे हैं। एमएनआरएफ इज माइक्रो नीलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो वो जो स्कार्स आपके हैं उसको हेल्प करेगा ऊपर आने में, और जो डेप्थ है वो कम करेगा स्कार्स का। ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड कितनी सेटिंग्स मतलब हमें लगेंगी? एटलीस्ट मिनिमम 6 सेटिंग्स लग सकती है, बट आफ्टर दैट हम टचअप कर सकते हैं। ओके सो इट्स आर 4th or 5th सेटिंग्स, हमें भी नहीं याद है बिकॉज थेरेपिस्ट चेंज थे हर बार। 6 सेटिंग्स मतलब 2-3 महीने और? 2-3 महीने और। तो थैंक गॉड 2-3 महीने में हमारे स्कार्स रिड्यूस हो जाएंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट। So it will give you a stress free. देखो मेरा मुंह कितना ग्लो कर रहा है यार, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है बिकॉज ऑफ लाइट्स। चलो हम घर चलते हैं अब, उसके बाद मुझे पोस्ट केयर क्रीम भी लगानी है और हमारी स्किन बेटर करनी है। सो द ट्रीटमेंट इज डन एंड अभी मेरे मुंह पे सीरम लगा हुआ है एमएनआरएफ होने के बाद। थोड़ा मेरा ना अभी भी फेस नमिंग मुझे वैसा लग रहा है, तो आई विल ट्राई गाइस कि मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ, और अगर मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स रोज का एक व्लॉग डालूँ। ओके गाइस दिस वाज द वीडियो, और जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें थी बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज ध्यान से सुनना और टेक केयर, लव यू।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। लव यू।